एक बात बताइए, यह उत्तर प्रदेश है जहाँ जो रामकृष्ण की धरती है, जिस भगवान शिव के त्रिशूल पे बसा हुआ काशी है, जहाँ 5 रुपए के पंचांग में पूरे ब्रह्मांड की गणना आप कर सकते हैं कौन सा ग्रह है, उस और उसी प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री, बीपी सिंह प्रधानमंत्री, सारे प्रधानमंत्री, लेकिन कोरोना काल में, राजीव गांधी भी यहीं से थे, कोरोना काल में लाखों लोग गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, फला, साउथ से आ रहे थे। क्यों भाई, उत्तर प्रदेश में गंगा, जमुना, सरस्वती नदियां हैं, सब कुछ है, लाखों लोग यहां से पैदल क्यों बाहर जाते हैं, अपने पेट के लिए, अपने बाप के लाठी को मजबूत करने के लिए, अपने बहन के शादी के लिए, हम अपने पेट को पालने के लिए विभिन्न राज्यों में क्यों जाते हैं, कौन जवाब देगा? ये सोनिया थी, प्रियंका देंगी, सोनिया गांधी देंगी, कौन देगा? वो 70 साल में जो लाखों लोग आ रहे थे उस समय तो बहुत रो रहे थे, लेकिन गए थे किसके राज में? अखिलेश के बाप के राज में, मायावती के राज में, कौन था इसके पहले? इसलिए ये जनता दुखी है, हमको सब कुछ प्रकृति ने दिया लेकिन हमको सिर्फ छलावा दिया गया, सारा बड़ा पद। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली की सत्ता आती है, हमने तो प्रधानमंत्री बनाया ना, लेकिन उत्तर प्रदेश को अब तक मिला क्या? लेकिन 4 साल में, यही 4 साल में दिख रहा है ना, गोरखपुर में 60 साल में एम्स नहीं था, क्यों नहीं था भाई? उत्तर प्रदेश में लोग नहीं रहते हैं, उत्तर प्रदेश में बीमारी नहीं होती है, उत्तर प्रदेश में कोई समस्या नहीं थी, बाकी प्रदेशों में बना दिया गया, लेकिन यह गांधी परिवार पूरे उत्तर प्रदेश को एक एम्स क्यों नहीं दे पाया? इस फर्टिलाइजर को क्यों 14,000 बंद कराया था? ये है पीड़ा, यह लोग देख रहे हैं, इसलिए आज टूट रहे हैं और योगी मोदी के साथ देश की प्रतिष्ठा, सम्मान, जो आज अयोध्या में हो रहा है, जो आज काशी में हो रहा है, जो आज मथुरा में हो रहा है, गंगा की सफाई हो रही है, यह काम 60 साल से यही सनातन का काम हुआ होता तो आज हम विश्वगुरु होते और पुनः सोने की चिड़िया होते। इसलिए जनता टूट रही है और जनता उनको जवाब दे रही है। क्या अखिलेश यादव को बताना चाहिए? वही कुंभ में हम जोगी जी जब होते हैं तो हमारे वहाँ के गंगा के किनारे जो कुंभ लोग होते हैं वहाँ पुष्प की वर्षा होती है, कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों के ऊपर पुष्प की वर्षा होती है, और वही अखिलेश यादव के समय कुंभ का मेला था तो उसके इंचार्ज कौन थे? पूरा उत्तर प्रदेश में रामकृष्ण की धरती में कोई ऐसा हिंदू नेता नहीं था जो कुंभ को संभाल सके, उसके लिए जो कहता है भारत माता डायन है उसको बना दिया गया इंचार्ज, इसके लिए किसके पास हम जाएं, किससे कहने जाएं? शर्मा जी, ये पीड़ा है, ये दर्द है उत्तर प्रदेश का। क्या लग रहा है जो गोरखपुर की जनता है किन मुद्दों पे वोट देगी अब की बार? उत्तर एक हाथ में विकास और दूसरे हाथ में हमारा सनातन, जो भाग उत्तर प्रदेश की पहचान है रामकृष्ण की धरती, गंगा जमुना, जहाँ हमारी इतनी सारी विरासत है, वह विरासत हमको मिल रही है, इसलिए हम पुनः विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं, पुनः सोने की चिड़िया बनेंगे। आज सेना के हथियारों का कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ये है, ये होना चाहिए। जनता मूर्ख नहीं है, सब कुछ मिल रहा है, देख रही है, तभी टूट के आ रही है। इस वजह से यही इस देश को चाहिए और यही देश यह मांगता रहा है, ऋषि मुनिषियों की धरती रही है, लेकिन हमको हमी से काट के हमारा इतिहास बदल के, ये जो समाजवादी पार्टी जिन्ना की बात करते हैं और किधर किधर की बात करते हैं, यह 60 साल में यही तो किया गया, हमको हमारे ही विरासत से अलग कर दिया गया, हमको हमारी पहचान से वंचित किया। आज दे रहे हैं जोगी जी, आज दे रहे हैं मोदी जी, सच्चाई खुल के देश के सामने सही बात सामने भी आ रही है, तो हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, बच्चे आज प्रश्न कर रहे हैं तो इनको दिक्कत हो रही है, इनके पेट में दर्द हो रहा है, भैया क्यों ने पूछे, ये है असली सच्चाई। अच्छा, अगर 4.5 साल पहले की बात की जाए तो गोरखपुर में पहले क्या हालात थे 4.5 साल पहले? पूछिए मत, सड़क बिजली की बात नहीं है, अगर गोरखपुर में जोगी जी नहीं होते तो आपका जीना दुभर होता, हिंदुओं का निकलना मुश्किल हो जाता, सच्चाई यह है। वह अगर पूरे पूर्वांचल में आज अगर शांति है इसके पहले भी, तो वह अपने मेहनत के बल पे, ताकत के बल पे, संघर्ष करके। अब चलिए मैं कुशीनगर में दिखाता हूँ, महाराजगंज में दिखाता हूँ, देवरिया में दिखाता हूँ, सिद्धार्थनगर में हिंदुओं की हालत क्या थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, आज है कोई चूं कर दे और आ जाएगा समाजवादी पार्टी की सरकार में 14 दंगे हुए थे, 5 साल योगी जी की सरकार निकल गई, दंगे क्यों नहीं हुए? उसके पहले जोड़ लीजिए लगातार दंगे होते थे, कौन उनको ताकत देता था, कहां से वो मनोबल आता था? आज वो मनोबल वही गिराना है हमको, असली गंगा जमुना यही है कि उत्तर प्रदेश में शांति होगी तो उत्तर प्रदेश का विकास होगा, उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री आएगी और हमारे बच्चों को काम मिलेगा हर हाथ को, और यह उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा।
एक बात बताइए, कांग्रेस के जमाने में ही ये बना और कांग्रेस के जमाने में ही बंद हो गया। सिर्फ गोरखपुर की बात आप लोग क्यों करते हैं? गोरखपुर, तलचर, सिंदरी, रामागुंडम, बरौनी, यह पांचों फैक्ट्रियां किसके जमाने में बंद हुई थी? यही कांग्रेस के जमाने में। 20-20 साल इसमें कितने कर्मचारी थे? 14,000 कर्मचारी, 14,000 कर्मचारी इस फैक्ट्री में काम करते थे। उनके परिवार, वो जब फैक्ट्री बंद हुई तो उनके परिवार के लोग बेरोजगार हुए कि नहीं? इस समय बेरोजगारी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी और तमाम लोग कर रहे हैं। जब यह फैक्ट्री बंद हुई थी तो 14,000 परिवार जो बेरोजगार हुए, जिनके